हेलो किड्स, कैसे हो? चलो आज हम क्या करते हैं, कल हमने यूज किया था यूज ऑफ दिस दैट दिस दोस, बट आज हम क्या करेंगे, दिस दैट दिस दोस से क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। क्वेश्चन दिए हुए हैं मैम ने, आंसर कैसे बनाने हैं वो हम आज बनाना सीखेंगे। ओके तो लेट्स स्टार्ट। देखिए मैम ने यहाँ पे क्या बनाया है, एप्पल। ओके व्हाट, क्वेश्चन मैम ने लिखा है WHAT, what ISATHIS, this, what is this? तो मैम किसके बारे में पूछ रहे हैं, किसके बारे में, what is this, क्या है यह, क्या है? तो this, तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा हमारे क्वेश्चन में ही हमारा आंसर है, तो हम क्वेश्चन एक बार अच्छे से रीड करेंगे तो हमें आंसर भी मिल जाएगा उसका, व्हाट इज दिस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दिस है, दिस को हम उठा के यहाँ ले आएंगे। फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, दिस। तो दिस की स्पेलिंग क्या होती है, टी एच आई एस, दिस। दिस के बाद में हमें क्या लिखना है, ये क्या है, एप्पल है और ये कितना है, वन है। तो इसके साथ में यहाँ भी हमने इज लिखा है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, हम इज लिख देंगे। वन थिंग के साथ में सिंगुलर नाउन के साथ में इज का यूज होगा ना, आई एस दिस इज, अभी क्या है, एप्पल, वन है ना, तो वन है और एप्पल है, एप्पल है तो इसके आगे हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, क्योंकि ये तो क्या है, इसका फर्स्ट लेटर, एप्पल का फर्स्ट लेटर क्या है, वोवल है, तो हम यहाँ एन लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन, ए एन एन, दिस इज एन, अब ये क्या है, एप्पल, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एप्पल। तो एप्पल में कुछ बच्चे क्या करते हैं, एप्पल में ए को कैपिटल बना देते हैं, तो आपको ए कैपिटल नहीं बनाना है, आप लाइन के बीच में लिख रहे हो, तो मिडिल में हम कोई भी लेटर लिखते हैं, कोई भी वर्ड लिखते हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता है, स्मॉल लेटर ही लिखते हैं। तो एप्पल की स्पेलिंग बोलो, ए डबल पी एल ई एप्पल, दिस इज एन एप्पल, व्हाट इज दिस इज एन एप्पल। तो क्या आपका ये आंसर है, ये कंप्लीट हो गया? कुछ बच्चे तो बोलेंगे यस मैम हो गया है कंप्लीट, बट ये नहीं हुआ है कंप्लीट, जब तक हम यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होगा, फुल स्टॉप लगाएंगे तभी आंसर कंप्लीट होगा। अगर हम एग्जाम में फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं तो मैम आपके मार्क्स कट कर लेती हैं, फिर आपको 1 मार्क्स का हाफ ही मार्क्स मिलता है ना, तो हमें तो अपने मार्क्स कट नहीं करवाने हैं। ओके तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे, और यहाँ पे हमें कैपिटल लेटर नहीं लिखना है, स्मॉल लेटर ही लिखना है, वरना मैम क्या करेंगी, मार्क्स कट करेंगी, पता है ना सबको। तो दिस इज एन एप्पल, व्हाट इज दिस इज एन एप्पल। ओके आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम दिस लिखेंगे, उसके बाद में इज लिखेंगे, फिर एप्पल वन है तो वन के साथ एप्पल में क्या है, ए वोवल है, तो उसमें हम यहाँ ए नहीं लगाएंगे, ए की जगह एन लगाएंगे, एन एप्पल। ओके एप्पल की स्पेलिंग आपको सबको रीड करनी है लाउडली, आपको लर्न तो है सबको, बट कुछ बच्चे हैं जो रॉन्ग लिख देते हैं, तो एप्पल की स्पेलिंग अच्छे से लर्न करनी है, ए डबल पी एल ई एप्पल, स्पीक विद मी, ए डबल पी एल ई एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर टू, ये मैम ने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया है, क्वेश्चन लिखा है मैम ने, व्हाट, स्पीक विद मी, ए आर ई आर, ए आर ई आर, टी एच ई एस ई, दीज, टी एच ई एस ई, दीज, व्हाट आर दीज, ये है, ये क्या है, क्या है ये,
ये सबको पता है पेंसिल्स हैं, क्या है पेंसिल्स। तो हम इसका आंसर लिखेंगे। अब आंसर लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो सबसे लास्ट में जो है वो सबसे पहले आ जाता है, क्या आ जाएगा दीज, क्या आ जाएगा दीज। यस दीज की स्पेलिंग बोलो, टी एच ई एस ई दीज, टी एच ई एस ई दीज, टी एच ई एस ई दीज। तो दीज के साथ हम क्या लगाएंगे, आर, जो क्वेश्चन में है। मैंने आपको पहले भी बताया हमारे क्वेश्चन में ही हमारा आंसर होता है। ओके अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो उसी में ही हमें अपना आंसर भी मिल जाएगा। तो दीज आर को आर यहाँ लिख देंगे, ए आर ई आर। अब हमने यहाँ पे आर क्यों लगाया है ये भी सबको पता होना चाहिए। हमने यहाँ पे आर इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे पास पेंसिल्स टू है, प्लूरल है ना ये, तो प्लूरल में आर लगेगा, टू पेंसिल्स हैं इसलिए हमने यहाँ पे आर लगाया है, दीज आर पेंसिल्स। तो हम यहाँ पे पेंसिल नहीं लिखेंगे, अगर हम पेंसिल लिख देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और हमने अगर यहाँ पे ये ऐसा पी बना दिया कैपिटल वाला तब भी ये रॉन्ग हो जाएगा, हमें क्या बनाना है यहाँ पे स्मॉल पी बनाना है, क्या बनाना है स्मॉल पी बनाना है। तो लिखो पी, अब आपको पेंसिल की स्पेलिंग भी लर्न होनी चाहिए, तो पेन की स्पेलिंग तो सबको ही लर्न है, पीई एन पेन, पेन की स्पेलिंग लर्न है ना, तो पीई एन पेन। अब सिल, सी आई एल पेंसिल, अब हमने यहाँ पेंसिल लिख दिया मैम ने, ये करेक्ट है राइट है ये, नो ये क्या है रॉन्ग है, क्योंकि हमारे पास टू पेंसिल है तो टू पेंसिल्स हो जाती है, ये क्या हो जाता है पेंसिल्स। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे एज। ओके अब कंप्लीट हो गया हमारा आंसर, कंप्लीट हुआ है नो अभी भी इनकम्प्लीट है ये, मैम ने क्या मिस कर दिया, सबको पता होना चाहिए क्या मिस किया मैम ने, फुल स्टॉप, मैम ने फुल स्टॉप नहीं लगाया है, यहाँ हमें डॉट लगाना है फुल स्टॉप लगाना है तभी हमारा आंसर कंप्लीट होगा। तो व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, डब्ल्यू एच ए टी व्हाट ए आर ई आर टी एच ई एस ई दीज, व्हाट आर दीज, दीज आर पेंसिल्स, दीज आर पेंसिल्स, टू है ना पेंसिल्स, तो टी एच ई एस ई दीज ए आर ई आर पी ई एन C I L S pencils, speak with me. P E N C I L S pencils. P E N C I L S pencils. P E N C I L S pencils. Okay. Now next question. What is that? What? W H A T. What? I S is T H A T. That. अब बेटा एक चीज और देखिए, हमने ये हमारे क्या है? पास में है इसलिए इसके साथ हमने दिस लिखा था, और ये बुक क्या है हमसे दूर है, तो यहाँ पे किसका यूज हुआ है दैट का यूज हुआ है, ये भी आपको रिमाइंड रखना है, याद रखना है, जो हमारे चीज पास में होती है उसके लिए दिस का यूज, और जो हमसे दूर होती है दूर होती है, ऐसे देखते हैं ना हम ये ऐसे ही बोलते हैं व्हाट इज दैट, वो क्या है ना, तो उसके लिए दैट का यूज होता है। तो दैट, तो व्हाट इज दैट, क्या है ये, क्या है ये, तो एक बुक है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, आपको पता है हमारे क्वेश्चन में ही हमारा आंसर है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दैट, दैट की स्पेलिंग बोलो टी एच ए टी दैट, यस स्पीक लाउडली टी एच ए टी दैट, टी एच ए टी दैट, ओके दैट, दैट के बाद में आई एस इज दैट इज अ बुक वन ही है तो क्या आ जाएगा दैट इज अ बुक की स्पेलिंग सबको आती है ना लर्न है सबको, बुक की स्पेलिंग बोलो, यस पिक विद मी बी
डबल ओ की बुक, बी डबल ओ के बुक, दैट इज अ बुक, दैट इज अ बुक। अब हमारा आंसर कंप्लीट हुआ है? नो, यहाँ पे हमें क्या लगाना है? फुल स्टॉप। अब हमारा आंसर कंप्लीट है। बी कैपिटल नहीं लिखना है, कुछ बच्चे यहाँ पे बी कैपिटल लिख देते हैं, तो ये बी स्मॉल ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर दोस, वो क्या है, क्या है वो बताइए मुझे, क्या दिख रहा है ये? मैम को तो ये फ्लावर्स दिख रहे हैं, फ्लावर्स है ना, ये टू है और दूर है हमसे, तो इसके लिए हमने दोस्त का यूज किया है। ये हमारे पास थी और टू थी, इसलिए हमने दीज का यूज, जो पास में होती है प्लूरल होती है उनके लिए दीज, जो चीजें दूर होती है हमसे और प्लूरल होती है उनके लिए दोस्त। ओके, क्लियर है सबको? यस। नाउ हम क्या लिखेंगे सबसे पहले? दोस्त। दोस्त की स्पेलिंग बोलो, टी एच ओ एस ई, दोस्त। यस, स्पीक लाउडली, टी एच ओ एस ई, दोस्त, टी एच ओ एस ई, दोस्त, टी एच ओ एस ई, दोस्त, दोस्त। अब आर का आर आ जाएगा, ए आर ई आर, दोस आर, वो क्या है? फ्लावर्स है, क्या है? फ्लावर्स। तो फ्लावर्स की स्पेलिंग बोलो, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, ये क्या है? फ्लावर, फ्लावर की स्पेलिंग है। तो हमारे पास कितने फ्लावर हैं? टू फ्लावर हैं, तो टू के साथ हम क्या लगाएंगे? प्लूरल बनाने के लिए फ्लावर को क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे, तो यहाँ पे हम एस लगा देंगे। हो गया आंसर कंप्लीट? आंसर कंप्लीट हुआ? नहीं, क्या करना है हमें? फुल स्टॉप लगाना है, डॉट लगाना है। अब हमारा आंसर कंप्लीट है। व्हाट आर दोस, दोस आर फ्लावर्स। एक बार और मेरे साथ रिपीट करेंगे? यस। व्हाट इज दिस? दिस इज एन एप्पल। व्हाट आर दिस? व्हाट आर दिस? दिस आर पेंसिल्स। व्हाट इज दैट? दैट इज अ बुक। व्हाट इज दैट? दैट इज अ बुक। व्हाट आर दोस? व्हाट आर दोस? दोस आर फ्लावर्स। व्हाट आर दोस? Those are flowers. Okay? अब आपको ये क्वेश्चन आंसर सारे अच्छे से रीड करने हैं एंड लर्न करने हैं। ओके, बाय।